किसान की खुशहाली का अर्थ सीधे तौर पर हरियाणा की खुशहाली है, जिसको ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल पिछले 9 वर्षों से कार्य कर रहे हैं, जिसका नतीजा है कि मौजूदा समय में किसानों के चेहरों पर संतुष्टि से भरी मुस्कान छाई हुई है, क्योंकि मुख्यमंत्री मनोहर लाल के कुशल नेतृत्व में हरियाणा सरकार कई कल्याणकारी योजनाओं को चला रही है, जिनका लाभ लेकर सूबे का किसान दिन प्रतिदिन प्रगति की तरफ बढ़ रहा है। ऐसे ही एक प्रगतिशील किसान राजकुमार हैं, जो रेवाड़ी जिले के गांव मांझिया खुर्द में कई साल से कुल 7 एकड़ में बागवानी कर रहे हैं, जिसमें काफी अच्छी पैदावार हो रही है और जिससे अच्छा मुनाफा भी हो रहा है। कितने एकड़ में आप बागवानी कर रहे हैं? मैंने कुल 7 एकड़ में बागवानी की कर रखी है, जिसके अंदर मौसमी के बाग है 2 एकड़ के अंदर, 3 एकड़ के अंदर किन्नों का है और 1.25 एकड़ के अंदर बेर का और 1 एकड़ के अंदर हमें अमरूद लगा रखा है। इससे हमें बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होता है और अच्छी पैदावार होती है, और हम जो खेती करते हैं तकरीबन वर्मी कंपोस्ट के ही करते हैं इसके अंदर यूज़, और इससे हमें अच्छा काफ़ी मुनाफा होता है। वहीं उन्होंने कहा कि वो बाग में खाली जगह पर सब्जियों की खेती करते हैं, जिससे उन्हें मुनाफा भी डबल होता है। इसके अलावा आप सब्जी का भी काम कर रहे हैं, सब्जी की बागवानी कर रखी है आपने? मैंने 1 एकड़ के अंदर इसी के अंदर जैसे भिंडी लगा दी, घिया और मूली, गाजर, टमाटर ये लगा रखे है, इससे हमें डबल कमाई होती है। इससे ये उसके अंदर बाग भी तैयार हो जाता है और जो नीचे खाली जमीन बची हुई होती है उसके अंदर हम पालेज कर लेते हैं। प्रगतिशील किसान राजकुमार बताते हैं कि किन्नू में प्रति एकड़ 2 लाख रुपए का मुनाफा होता है और मौसमी में 3 लाख रुपए तक की कमाई होती है, जबकि सबसे ज्यादा बेर की खेती में 5 लाख रुपए तक का मुनाफा होता है। कितना मुनाफा हो जाता है आपको लगभग? किन्नों के अंदर हमें पर एकड़ 2 लाख रुपए का मुनाफा होता है और मौसमी के अंदर 2.5 और 3 एकड़ करीब 3 लाख का मुनाफा होता है, और बेर के अंदर 1.25 एकड़ किला है हमारे पास, ये हमें लगभग 5 लाख के करीब मुनाफा देता है। इसके साथ ही प्रगतिशील किसान राजकुमार ने बताया कि वो पूरी तरह से ऑर्गेनिक खेती करते हैं और किसी तरह का कोई कीटनाशक इस्तेमाल नहीं करते। जो भी हम बागवानी करते हैं वो हम ऑर्गेनिक करते हैं, हमें कोई भी पेस्टिसाइड इसके अंदर यूज़ नहीं करते। इससे जो भी हमारा फ्रूट होता है उसका टेस्ट भी अलग होता है, साइज भी अलग होता है, जो इसकी साइनिंग भी होती है वो अलग होता है। इससे हमें काफ़ी मार्केटिंग में भी काफ़ी सुविधा मिलती है और हम अपने उसका जो हमारे फ्रूट है जो भी है सब्जी है वो हमारे अलग से रेट से मिलते हैं। वहीं उन्होंने कहा कि वो गाय के गोबर, गौमूत्र, गुड़ और बेसन को मिलाकर खाद बनाते हैं, जिसका इस्तेमाल वो अपने फलों के बाग में करते हैं। राजकुमार जी, खाद आप किस प्रकार का प्रयोग करते हैं? हम अपने कैसे तैयार करते हैं खाद? हम और कुछ तो खाद ऑर्गेनिक जो केचुआ खाद बोलते हैं वो यूज करते हैं, कुछ हमें अपने देसी गाय के गोबर, गौमूत्र और उसके अंदर गुड़, बेसन ये मिला के अपना वर्मी कंपोस्ट तैयार करके उसको पौधों के अंदर डालते हैं और उससे हमें बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होता है। हम दूसरी बात यह है, इससे डालने से हमारे जो पेस्टिसाइड का उसका खर्चा कम हो जाता है, हम उसको यूज नहीं करते, इसका ये हमें सस्ता पड़ता है। खुद का अपना गायें होती है उनका हम इसके यूज करते हैं, गायों का गोबर, उसका गौ जिससे हम गौमूत्र इकट्ठा करके गोबर को इकट्ठा करके और इसके अंदर हम डालते हैं, जिससे अच्छा मुनाफा आता है। प्रगतिशील किसान राजकुमार बताते हैं कि ऑर्गेनिक फल और सब्जी लंबे समय तक खराब नहीं होती, जबकि रासायनिक खाद से उगे फल
और सब्जी एक दो दिन में ही खराब हो जाती है। आजकल कैंसर, लीवर जैसी बीमारियां हो रही है, क्यों बाजारों में कीटनाशक दवाई द्वारा सब्जी मिलती है, उस सब्जी और इस सब्जी में क्या अंतर है? सबसे पहले अंतर तो ये है कि जो हमारे ऑर्गेनिक फ्रूट या सब्जी होती है उसका काफ़ी लंबे टाइम तक तो हम उसको रख सकते हैं, और जो हम ये पेस्टिसाइड और केमिकल से तैयार करते हैं ये हमारे शरीर के सभी अंगों को इफेक्ट करती है, और इनके अंदर टेस्ट भी कम होता है। आप इनको एक दिन से ज़्यादा रख नहीं सकते, उनको जो हम ऑर्गेनिक करते हैं आप 7-8 दिन 10 दिन तक इसको खूब आराम से रख सकते हैं, इससे आपके शरीर के भी कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता ऑर्गेनिक चीज़ से। और जो पेस्टिसाइड होता है उससे तो हर चीज़ का नुकसान ही है, शरीर के अंदर लीवर को डैमेज होना या किडनी का फेल होना, जो भी ये कैंसर जैसी बीमारियाँ होना, ये सिर्फ ओनली पेस्टिसाइड से ही होती है, ऑर्गेनिक खेती करने से ये नहीं होती कभी किसी के। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि परंपरागत खेती के मुकाबले बागवानी में डबल मुनाफा होता है। बागवानी में आपको लगभग कितना मुनाफा हो जाता है? बागवानी में ऐसा है कि जब हम पारंपरिक खेती करते थे उससे ज़्यादा, उससे डबल मुनाफा हमें इसके अंदर होता है, खर्चा कम होता है। फिर इसका एक सबसे बेनिफिट फायदा ये है कि हमें अगर एक बार बाग लगा लेते हैं तो वो 20-30 साल तक तो ये सोचो कि आराम से वो चलता है, और उसके अंदर उसके जो किसान भाई है अपना आराम से खर्चा निकाल लेता है, अपने बच्चों की अच्छी एजुकेशन दे सकता है, और अपने अपना जो लाइफ स्टैंडर्ड है उसको भी बढ़ावा दे सकता है। और पारंपरिक खेती के अंदर ये सब चीज़ें नहीं थी, नहीं हमें इसके अंदर इनके अंदर मुनाफा मिलता था, इस बल्कि इसके अंदर परेशानी होती थी, इसके अंदर लेबर की भी समस्या नहीं है बागवानी के अंदर, और जो पारंपरिक खेती है उसके अंदर लेबर की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती थी। अब तो ये मैं तो यही कहूँगा किसान भाइयों से कि ज़्यादा से ज़्यादा पारंपरिक खेती को छोड़कर जो बागवानी है उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया जाए और इसे अपना स्तर उठाया जाए। प्रगतिशील किसान राजकुमार ने बताया कि मार्केटिंग में उन्हें बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि उनके खेत से ही फल और सब्जियों की बिक्री हो जाती है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि हरियाणा सरकार किसानों की हर संभव मदद कर रही है। मार्केटिंग कैसे करते हैं? हम जो हमारी जो मौसमी है, बेर है, हमारे यहीं से मार्केटिंग होती है, हम कहीं बाहर नहीं भेजते, क्यों हमारे ऑर्गेनिक होते हैं, इनका टेस्ट और साइज और कलर इनका अलग से ही होता है, तो हमारे यहीं पर निकल जाता है सारा माल, और जो ये हमें स्किनो है ये हम अपने मंडी के अंदर भेजते हैं। कृषि यंत्रों को लेकर कुछ सरकारी अभी एक से एक जनवरी से 15 जनवरी तक गवर्नमेंट ने, हमारे हरियाणा सरकार ने 50% सब्सिडी के ऊपर ये जो भी कृषि यंत्र हैं ड्रा के द्वारा निकाल रखे हैं उसके अंदर भी हमें बेनिफिट ही होता है, और जो बागवानी की तरफ से कृषि यंत्र मिलते हैं वो भी हमारे उसमें अलग से सीनियरिटी दी जाती है। वहीं उन्होंने दूसरे किसान भाइयों से अपील करते हुए कहा कि परंपरागत खेती को त्याग कर बागवानी पर फोकस करना चाहिए। दूसरे किसानों को बागवानी को लेकर क्या कहेंगे भाई, ज्यादा बागवानी की जाए? मैं तो सभी किसान भाइयों से यही कहूँगा कि अपने बच्चों का अच्छा भविष्य संवारने के लिए, अपना जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए पारंपरिक खेती को छोड़कर बागवानी खेती पर ज़्यादा फोकस किया जाए, और इससे मुनाफा आपको ये समझो पर एकड़ 2 लाख रुपए पर एकड़ आपको मुनाफा हर हाल ही में होगा। आज आप एक कुछ साल किसान भी बन गए हैं, क्या लगता है दूसरों को लेकर भाई बागवानी ज़्यादा प्रोत्साहन देना चाहिए? ये मैं तो यही कहूँगा, मेरे सभी किसान भाइयों से यही अनुरोध है कि पारंपरिक खेती में के अंदर कुछ भी नहीं बचता, और अगर आप इनको इसी तरह पारंपरिक खेती के पीछे लगे रहोगे तो आप हमेशा कभी अपनी लाइफ को, अपने जीवन स्तर को ऊँचा उठा ही नहीं सकते, नहीं अपने बच्चों को कभी कामयाब नहीं कर सकते, क्यों इतना ही इसके अंदर प्रॉफिट मिलता है बागवानी के अंदर, तो डबल प्रॉफिट है। एक दूसरी बात यह है कि इसके अंदर आप एक बार पौधे लगाने के बाद आप 20-25 साल तक आराम से काम कर सकते हैं, उसके अंदर कोई दिक्कत नहीं है। इसके साथ ही प्रगतिशील किसान राजकुमार बताते हैं कि वो खुद ग्रेजुएट हैं, लेकिन उन्होंने नौकरी ढूंढने के बजाय बागवानी को अपनाया।
क्योंकि नौकरी से ज्यादा कमाई बागवानी में है। राजकुमार जी, आपने पढ़ाई भी अच्छी की है, कितने पढ़े लिखे हुए आप? मैंने 2000 के अंदर ग्रेजुएशन की थी, उसके बाद मैंने सिर्फ बागवानी खेती पर ही ज़्यादा फोकस किया, और अब मेरा लड़का है वो वेटनरी सर्जन है, और उस वे भी प्राइवेट कॉलेज थे, उसकी मैं फीस भर रहा हूँ आराम से, और वे आज एक सर्जन की टोप में बहुत ही अच्छा। नहीं लगता कि आप जॉब भी कर सकते थे, लेकिन जॉब को छोड़कर आपने बागवानी की तरफ ज़्यादा चलने? उस टाइम जॉब के अंदर कुछ भी पैसे नहीं मिलते थे, अब तो मैं ये कह रहा हूँ कि मैं तो हर भाई किसान से कहूँगा कि आप जो गवर्नमेंट भारत हरियाणा सरकार द्वारा जो भी ये चीज़ चला रखी है किसानों के फायदे के लिए, उसको अपनाते हुए इसके ऊपर ज़्यादा ज़्यादा जोर दिया जाए। प्रगतिशील किसान राजकुमार ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल और हरियाणा सरकार का धन्यवाद अदा करते हुए कहा कि किसानों के लिए तमाम कल्याणकारी योजनाओं को चलाया जा रहा है, जिनका लाभ लेकर किसान खुशहाल बन रहे हैं। मैं मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने एक जमींदार का हित के लिए इतने अच्छे अच्छे काम किए हैं कि आप उनको आप संपर्क करके बागवानी डिपार्टमेंट से उनके अपना कर अपने जीवन स्तर को अपने बच्चों के भविष्य को खुशहाल बना सकते हैं। पहले की सरकार में क्या ऐसा होता था कि बागवानी को लेकर इतना प्रोत्साहन दिया? पहले किसी भी सरकार ने इससे पहले किसी भी सरकार ने ऐसा कोई काम नहीं किया कि किसानों के हितों की तरफ कोई ध्यान दिया जाए और किसान का जीवन स्तर ऊपर उठ जाए। धन्यवाद करेंगे? मैं मुख्यमंत्री मनोहर लाल सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि इसी तरह आगे भी काम करते रहना चाहिए। तो वहीं रेवाड़ी के जिला बागवानी विभाग के उद्यान विकास अधिकारी रूप सिंह ने बताया कि हरियाणा सरकार की ओर से समय समय पर किसान जागरूकता कैंप लगाए जाते हैं, जिसके माध्यम से किसानों को खेती से जुड़ी सभी जानकारी दी जाती है। हर किसानों को सभी योजनाओं और सब्सिडी की भी जानकारी दी जाती है। जो हमारी हरियाणा सरकार है उसके द्वारा बहुत सारे जो किसान जागरूकता कैंप हैं वो चलाए जा रहे हैं, जिनके माध्यम से हम जितने भी हमारे किसान हैं जो खेती से संबंधित हैं, खेती से जुड़े हुए हैं, उनको हम जागरूक करते हैं, और जो सरकार की नई योजनाएं हैं उनके बारे में कैंप के माध्यम से उनको बताते हैं, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा सरकार द्वारा चलाई जा रही बहुआयामी योजनाओं का फ़ायदा उठा सकें। बहुत सारी योजनाएं हैं, इसमें जो मुख्य योजनाएं हैं प्रदेश सरकार की, उसमें जैसे फल फूल सब्जियों पे अनुदान दिया जाता है। अगर कोई किसान सब्जी उगाता है तो सरकार उसको 15,000 रुपये पर एकड़ तक अनुदान देती है। अगर कोई किसान बाग लगाता है तो बाग पे 50,000 रुपये तक अनुदान सरकार द्वारा 3 साल के अंदर दिया जाता है। फूलों पर भी, जैसे हमारे यहाँ पे फूलों पे भी बहुत प्रकार के अनुदान दिए जाते हैं। जैसे अगर कोई फार्मर है जिसकी ज़मीन 5 एकड़ से कम है, 5 एकड़ से कम ज़मीन का वो मालिक है, तो उसको 6400 रुपये 1 एकड़ पे अनुदान दिया जाता है। उन्होंने कहा कि बागवानी विभाग की ओर से कई तरह की योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिसके तहत कई तरह के प्रोजेक्ट्स आते हैं, जैसे नेट हाउस, पॉली हाउस, पैक हाउस, लो कॉस्ट ऑनियन स्टोरेज समेत बागवानी में इस्तेमाल होने वाली मशीनों की खरीद पर 40-50% तक अनुदान राशि दी जाती है। इसके अतिरिक्त बहुत सारी जैसे योजनाएं हैं, जैसे इसमें हमारे प्रोजेक्ट्स आते हैं जिसमें नेट हाउस है, पॉली हाउस है, पैक हाउस है, लो कॉस्ट ऑनियन स्टोरेज है, और जो बागवानी के अंतर्गत जो किसानों द्वारा मशीनों का इस्तेमाल किया जाता है उनके ऊपर भी सरकार द्वारा 40-50% तक अनुदान दिया जाता है। उद्यान विकास अधिकारी रूप सिंह ने बताया कि बागवानी विभाग के अधिकारी समय समय पर किसानों के खेतों का जायजा लेने जाते हैं और किसानों को सलाह देते हैं कि ऑर्गेनिक खेती करें, जिससे पौष्टिक और स्वादिष्ट फल और सब्जियों का उत्पादन होता है। विभाग का जो स्टाफ है, जितना भी तकनीक की स्टाफ है, उसके द्वारा
समय समय पर जो किसान का बाग है या किसान की सब्जियां हैं उसकी विजिट की जाती है, और किसान को मोस्टली यही सलाह दी जाती है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल ना करें, ऑर्गेनिक खेती करें, प्राकृतिक खेती करें, जिसमें जो जहर मुक्त खेती भी है और उसमें किसान का जो ये पेस्टिसाइड्स हैं इससे भी बचाव होता है और पैदावार भी अच्छी होती है। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि सभी सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए किसान घर बैठे ऑनलाइन पोर्टल के जरिए अप्लाई कर सकते हैं, जिसके बाद डीबीटी के माध्यम से सीधे किसानों के बैंक खाते में सब्सिडी आ जाती है। सरकार ने काफी इजीली प्रोसेस कर दिया इसमें। इसमें किसान घर बैठे ऑनलाइन पोर्टल पे अप्लाई कर सकते हैं बागवानी विभाग के, उसमें सारी योजनाएं दी गई हैं और अपने डॉक्यूमेंट अपलोड कर देते हैं उस पे। उसके बाद जो उनके उन्होंने जो डॉक्यूमेंट अपलोड किए हैं वो हमारे अधिकारी के पोर्टल पे आ जाते हैं और अधिकारी उस पे समय अनुसार कार्रवाई करके उसके और उसके खेत का फोटो करके निरीक्षण करके सब्सिडी सीधे उनके अकाउंट में डीबीटी के माध्यम से भेज दी जाती है। काफ़ी इजी प्रोसेस है, कोई भी किसान अपने घर बैठ के आराम से इसको अप्लाई कर सकते। उद्यान विकास अधिकारी रूप सिंह ने दूसरे किसान भाइयों को सलाह देते हुए कहा कि ज्यादा से ज्यादा किसान परंपरागत खेती को त्याग कर बागवानी को अपनाएं और फल फूल और सब्जियों की खेती करके बागवानी विभाग की सभी योजनाओं का लाभ उठाएं। कि अन्य किसानों को यही सलाह देना चाहेंगे कि वो ज्यादा से ज्यादा परंपरागत खेती को छोड़ के बागवानी विभाग की जो बागवानी के अंदर जो फसलें हैं सब्जियां फल फूल उनको उगाए, और जो बागवानी विभाग की योजनाएं हैं जो स्कीमें चलाई जा रही हैं सरकार के द्वारा उनका फ़ायदा उठाए। उनको उगाने का सबसे महत्वपूर्ण फायदा ये है कि किस बागवानी विभाग की फसलें कम अवधि की हैं और वो एक साल में 3 से 4 क्रॉप ले सकता है, और दूसरा उनका रेट भी अच्छा मिल जाता है, काफ़ी मुनाफा होता है और काफ़ी किसान कर भी रहे हैं, काफ़ी अच्छी फसल ले रहे हैं वो। और दूसरी तकनीक जैसे सब्जियों में अपना करके जैसे बांस की स्टैकिंग लगा करके, लोहे की स्टैकिंग लगा करके और मल्चिंग और टनल लगा करके भी किसान उत्पादन बढ़ा सकता है और ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठा सकता है। वहीं उन्होंने कहा कि सरकार की मुख्य योजना भावांतर भरपाई है, जिसके तहत किसानों की फसल का उचित भाव न मिलने पर होने वाले नुकसान की भरपाई होती है। सरकार की एक मुख्य योजना भावांतर भरपाई है, जिसका जिसके अंतर्गत अगर किसी किसान को कम रेट पे उसका उत्पाद बिक रहा है मार्केट में तो भावांतर भरपाई के अंतर्गत जे फॉर्म अप्लाई करके जितना उसको नुकसान हो रहा है वो सरकार के द्वारा उसका भुगतान किया जाता है और जो उसका भाव का अंतर है उसकी भरपाई की जाती है। उद्यान विकास अधिकारी रूप सिंह बताते हैं कि सरकार की ओर से किसानों के लिए तमाम योजनाओं को चलाया जा रहा है, जिनका लाभ लेकर किसान अपनी आमदनी बढ़ा सकते हैं। सरकार के द्वारा समय समय पर नई बहुआयामी और किसानों के हितकारी योजनाएं हमेशा चलाई भी गई हैं और चलाई जा रही हैं, चलाई भी जाएंगी। इसमें सर जो हमारे जनरल कैटेगरी के फार्मर हैं या अनुसूचित जाति जनजाति के किसान हैं उनके लिए काफ़ी अच्छी योजनाएं हैं। इसमें अनुसूचित जाति जनजाति के फार्मर उनके लिए तो 85% सब्सिडी है, वो भी इसका फ़ायदा उठा करके ज़्यादा से ज़्यादा सरकार की योजनाओं का लाभ उठा सकते हैं। हरियाणा सरकार निरंतर किसानों को ऑर्गेनिक खेती के लिए प्रेरित कर रही है, क्योंकि मुख्यमंत्री मनोहर लाल का उद्देश्य है कि सूबे के किसानों की आमदनी बढ़ने के साथ साथ लोगों का स्वास्थ्य भी बेहतर किया जा सके। यही वजह है कि हरियाणा के किसान अब ऑर्गेनिक खेती की तरफ रुख कर रहे हैं, जिससे कृषि के क्षेत्र में हरियाणा विकसित होता जा रहा है।